के 19 लोगों का एडवांस में होना ये और बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन इस बार जो तुम लोग का जो बैच है बेटा, है ना, तुम लोग का सहयोग इन लोगों से भी मिलेगा जो इस बार IIT निकाल चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोग में से हम लोग का जो रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन होगा वो और कई गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जितने लोग तुम लोग हो, है ना, सभी लोग IIT निकाल सकते हैं, सभी लोग IIT निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को देखा था कि कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे थे, उनको अपने आप में ही भरोसा नहीं है कि मेरा IIT होगा। और मैं पूछो इन लोगों से, है ना, जो बच्चे पढ़ते थे, अमीश मंजूल करीना, देखो इन लोग भी ऐसे ही थे, सर पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना। और मैं बोलता था बस तुम लोग को बैठना है, नहीं है रुपम, यस सर। लास्ट में लोग क्या बोलता था, सर मुश्किल लग रहा है सर मेरे से, है ना। मेरा यही कहना था कि नहीं, तुम लास्ट तक केवल बैठे रहो, करते रहो, रिजल्ट अपने आप आता है और आएगा, और आ भी गया, है ना। राम रंग देखो, दो बार है ना इसको मेज में धक्का दिया, लेकिन इसका जो 98 कितना 98 क्रॉस किया ना बेटा, 97, है ना। बोला एडवांस भी तो अच्छे से क्यों नहीं होगा बेटा, तुम लोग का नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, है ना। और देखो इन लोगों ने मेहनत किया, लास्ट तक भिड़ा रहा और रिजल्ट आया भी, सही है। इसलिए यह मैटर नहीं करता है कि किसको कब क्लिक कर जाए, है ना। अभी देखो सुनील सर सदमे में है, एक हम लोग का स्टूडेंट है ना, जो उसका रैंक अगर आ जाता तो कम से कम उसका रैंक खराब स्थिति में टॉप 200 में IIT में आता, टॉप 200 में। अभी हम रास्ते में वही बात करते आ रहे थे, है ना, उसको किस्मत बोलो बैड लक बोलो, है ना, उसका मेंस में दो बार नहीं हुआ, जबकि वो हिरजी जब टेस्ट देता था तो वो टॉप करता था, समझे। मतलब वो फिरजी ने उसको फोरकास्ट करके रखा हुआ था कि इस बच्चे को तो होना ही होना है, 200 का रैंक आगे जाता ही नहीं, 201 नहीं आता, यही सोच लो। लेकिन किस्मत होता है कभी कभी, लक फैक्टर, क्योंकि क्या होता है, भगवान कुछ लोगों के लिए ना अलग से गिफ्ट करके रखा होता है, जैसे आप लोगों में से एक अर्चना भी, ठीक है। भगवान बहुत सोच समझ के चलते हैं, उनका तराजू जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा भी ऐसे ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ना वो बहुत ज़बरदस्त सोच समझ के रखते हैं, उनका प्लानिंग है, वेल प्लान्ड है, जिसमें कोई फेरफार होता नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ सोच के रखते हैं। तो वैसे उस बच्चे के लिए भी सोच के रखा होगा गॉड मोड, है ना। उस बच्चे को दो बार मेंस नहीं हुआ, जबकि हिरजी के हर टेस्ट में, हर टेस्ट सीरीज में टॉप करता है, मतलब फुल फुल 360 नंबर का अगर टेस्ट होगा तो 360 में 360 ला देगा एडवांस में। ऐसा बच्चा 300 में 300 मेंस में, ऐसा लाने वाला बच्चा दो बार मेंस क्वालिफाई नहीं किया, समझ गए। एडवांस में OBC से क्वालिफाई किया, एडवांस में दिया, उसको नंबर मैच करने पे, अभी ये लोग मैच किया, रुपम ने मैच किया है यहीं पे, है ना भाई, 251 नंबर आ रहे हैं। अब सोचो उसमें रैंक कितना बनेगा, रैंक बनेगा 200 के नीचे, लेकिन उसके जो रिस्पॉन्स सीट है उसमें 44 मार्क्स दिखा रहे हैं। क्या बोलेंगे इसको, ये ऊपर वाले पे छोड़ते हैं हम लोग, है ना। उन लोगों ने कुछ सोच रखा होगा उसके लिए, ठीक है। बच्चे में कोई कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, जिसमें कैपेबिलिटी होता है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही करता है, और कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जिनके लिए भगवान ने अलग से सोच कर रखा है। इसलिए किसी को इसमें बहुत अच्छा कोई किया होगा, कोई थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन से भी कम किया होगा, उसमें ज़रा सा भी अपने दिमाग में 6-5 लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में ही बैठते हैं, है ना, होता वो 3 घंटा किसको क्या चल जाए, है ना, तो कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन ये एक एग्ज़ाम किसी की पूरी कैपेबिलिटी, किसी की पूरी लाइफ, किसी की पूरी कैरियर को डिसाइड कतई नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए हो सकता है आप लोगों में से कोई बहुत अच्छा कर गए हों, तो ये ना सोचे कि मैं तो शेरी हूँ, हो सकता है कि कोई थोड़ा सा डाउन किया हो, ये ना सोचे कि मेरा अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी लोगों में हर दिन यहाँ परीक्षा है, ये तो IIT एक था जो हम लोग टारगेट लेके चले थे और हमने अचीव कर लिया, लेकिन इसके आगे हर दिन एक परीक्षा होगा, आपके जॉब आएंगे, है ना, जॉब के बाद फिर फैमिली लोगे, है ना, फैमिली संभालोगे, माँ बाप को सेवा करना है, सोशल वर्क
जैसे यहाँ पे हो रहा है, आप लोग उसका एक पार्ट हो। सोशल वर्क में आप कैसा परफॉर्म करते हो इससे भी डिसाइड होगा। आप कितना अच्छे कर रहे हो ये IIT एडवांस का रिजल्ट से डिसाइड नहीं होगा। आप सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए कितना करके रखे हो इससे भी डिसाइड होगा। बात समझ आ रही है? इसलिए अभी एग्जाम चलेगा बेटा, ये एक पढ़ाव था, जिसको जितना अच्छा हो पाया किया, है ना। लेकिन अगला में और अच्छा करना है, ऐसी आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी यहाँ से अब एक पढ़ाव अगले पढ़ाव के लिए निकल पड़ेंगे, है ना। बाकी जो यहाँ पे ऑलरेडी 12th में है, 11th में है, उन लोगों को बेटा बहुत मेहनत करना है, समझ गए। और मैं देखता हूँ कि आप लोगों में बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत अच्छे तो बच्चे तो बहुत बहुत अच्छे हैं, है ना। बहुत बच्चे आप लोगों में से 11th 12th के बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, समझ गए बेटा, है। इसलिए आप लोग को पूरा जी जान लगा देना, दो साल, मात्र दो साल आप लोगों को हमें देना है, है ना। आपकी पूरी करियर, पूरी लाइफ पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। इतना इज्जत, इतना पैसा, इतना शोहरत मिलेगा कि आप कभी किसी के पीछे नहीं नजर आओगे, हमेशा आगे आगे ही नजर आओगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये दो साल बिना किसी दिन एनर्जी डाउन किए हुए, कुछ बच्चे को अभी भी डाउन लग रहा है बेटा, है ना, डाउन नहीं रहना चाहिए। क्यों डाउन भाई, करना है मतलब करना है, पूरा जी जान लगा करके मेहनत करना है। दो साल में सभी लोग यहीं से आप बहुत ऊपर चले जाओगे, बहुत अच्छे कर जाओगे, ठीक है, ऐसे में क्लियर हो। बाकी यहाँ पे किसी तरह का किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग को यहाँ पे पूरी वृक्ष टीम है, है ना, रंजीत सर आपके साथ हैं, चंद्रकांत डुगेश्वर, है ना, सारे लोग आपके साथ हैं यहाँ पे। किसी भी तरह का दिक्कत हो, किशुन चंद जी हैं, हमेशा आप लोग के बीच में आते रहते हैं, किसी तरह का दिक्कत हो इन लोगों से बोलो, हम लोग का नंबर आप लोग के पास होता है, है ना। कोई भी चीज़ कभी भी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई फ़ोन ना उठाए, इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने रिस्पॉन्स नहीं किया या किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, हो सकता उस समय बिजी हो, आपका बैक कॉल रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों के एरिया से, आप लोगों के परिवार से, आप लोगों के सर्कल से बहुत से लोग कोटा चले गए होंगे, दिल्ली चले गए होंगे, है ना। तो आप लोगों को लगता होगा कि हम वहाँ जाते तो शायद अच्छा होता, वो तो वहाँ चला गया, है ना। तो उसके लिए आप इन्हीं लोगों से पूछो, इन्हीं लोगों से पूछो, आज जो रिजल्ट ब्रिज दिखा रही है 19 रिजल्ट, है ना, इसके अलावा कितना रिजल्ट है मुझे बताया जाए। आप लोग के बेस्ट भी तो गया होगा, कोटा, लंदन, फ्रांस, सब जगह, है ना, है नहीं। कितने लोगों को हुआ है? अगर वहाँ पे बहुत अच्छा होता है तो होना चाहिए, अच्छी बात है, हमें तो होने से मतलब है, हम तो सोसाइटी वर्कर हैं, है ना, हम लोग तो सोशल वर्कर हैं, हमें तो भाई जितना अच्छा उतना अच्छा हो। लेकिन मुझे ये चाहिए कि अगर यहाँ पे एक छोटी सी संस्था 19 दिखा रही है, तो अगर कहीं इधर उधर से भी बहुत अच्छा जो रिपोर्टेड है बहुत सारा, तो 1900 दिखाए तो माना जाए। 1900 रिजल्ट आ गया, 1900 रिजल्ट आ गया बेटा, हैं, आ गया 190 आ गया, 190 कोई बोल सकता है कि 190 हमारे यहाँ से हो गया, हैं, यहाँ के लोगों को करवा दिया तो फिर। इसलिए आप लोग जहाँ पे हो वहाँ पे पूरा दृढ़ विश्वास रखना है, 100% ट्रस्ट रखना है, और ट्रस्ट के साथ जो बोला जाए उस पर अमल करते जाओ। रिजल्ट कहीं से नहीं आता है, आपको यहीं से रिजल्ट आ जाएगा और उनसे अच्छा आएगा, समझा। अब देखो बहुत से लोग इधर उधर गए, बहुत से लोग फेल होके भी आए हैं, नहीं, बहुत से लोग रिटर्न होके फिर से ज्वाइन किए हैं यहीं पे, बहुत से लोग, है ना, चंद्रकांत जी फ़ोन करते हैं, है ना, कि भाई लड़का आ गया यार एडमिशन लेने के लिए, कब, 6 महीना पहले एग्जाम, 1 साल बाद, 1 साल निकल गया 11th 12th में, एडमिशन लेने आया है, कहाँ से, तो यहाँ कर पढ़ने गया था, वहाँ पढ़ने गया था, है ना, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। आप लोग तो अच्छा हो कि आप लोग यहीं से शुरुआत कर रहे हो, नहीं। इसलिए आप लोग जरा सा भी मन में ये मत रखना कि हम लोग काश वहाँ जाते, क्यों, क्योंकि वहाँ से भटक करके सबसे अच्छा जगह पहुँचता है। अच्छा जगह कब पहुँचते हैं, सब जगह भटकने के बाद, तो उन लोग भटक के आते हैं,
अब आप लोग एक ही बार में पहुंच गए, आप लोग लक्की हो। नहीं, आप लोग क्या हो, आप लोग लक्की हो कि भाई शुरू में ही अच्छी जगह पहुंच गए, आपको गाइडेंस अच्छा मिला, आपके परिवार वालों ने शुरू से ही सजेस्ट कर दिया, दोस्त लोगों ने किया होगा, सीनियर लोगों ने किया होगा कि भाई इधर उधर मत जाओ, डायरेक्ट यहाँ पे जाओ और सीधे तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, तो इसलिए आप लोग बेस्ट जगह आ चुके हो और यहाँ से रिजल्ट होता ही होता है, आप लोग देख रहे हो आपके सीनियर्स को होगा, और आपके सीनियर से अच्छा रिजल्ट होने का हमें पूरी पूरी उम्मीद आप लोगों से है, समझ गए बेटा, और आप लोग कर भी जाओगे, समझ गए। तो थोड़ा सा भी मन में कुछ नहीं रखना है, बिल्कुल फ्री शिक्षा दिया जा रहा है आपको, कोई पेरेंट्स को टेंशन नहीं है, आप लोगों को टेंशन नहीं है, यहाँ पे सारी किताबें रखी हुई है, सारे टीचर्स टाइम पे आके पढ़ा देते हैं आपको, डॉट सेशन हो रहा है NSIT बॉम्बे की तरफ से। नहीं, इसके अलावा क्या चाहिए, कोई भी कंपटीशन पास करने के लिए जो चाहिए वो क्या चाहिए, कहीं कोचिंग में एडमिशन हो जाए फीस दे करके, है ना, जो आप लोग को हो चुका है, कोई टीचर पढ़ा दे अच्छे से जो पढ़ाया जा रहा है, कोई डॉट करवा दे जो करवाया जा रहा है, अच्छी मटेरियल मिल जाए जो आपको दिया अभी मिल जाएगा, उनको है ना, बच्चे को यूज़ तो कर रहे होगे, बाकी मटेरियल आप लोगों को, इन लोग का रिजल्ट क्या वेट किया जा रहा है, समझे। एक्चुअली हम लोग बैक कवर में इन लोग का फ़ोटो छापेंगे, समझ गए, उसका वेट कर रहा था। अभी आप लोग का मॉड्यूल फ्रेश न्यू आ जाएगा तो हर लोगों के पास अपना मॉड्यूल भी मिल जाएगा, उस मॉड्यूल को बनाना है, समझ गए, और जो पढ़ाया गया है नोट्स उसी को बार बार बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इतना करने से इस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि इतना करना ही चैलेंज हो जाता है ना, आप सीनियर से पूछना, इतना करना ही चैलेंज है, और इतना अगर कर लिया तो रिजल्ट तो आता ही आता है, ऐसा में इसलिए कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना है, कौन कहाँ है, कैसे है, कितना पढ़ रहा है, कैसे कर रहा है, आप लोग को फोकस करके जो बताया जा रहा है उस पर करना है, ठीक है, डन हो जाएगा, श्योर, वेरी गुड। अच्छा, अब एक बार आप सीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा क्लैपिंग कर दो, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।